कर्मचारियों की जो मांग है प्रमुखता से, नर्सिंग कर्मी संविदा पे जो कार्य थे यूटी के कर्मचारी उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है। 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए तथा अनुकंपा नियुक्ति देते हुए प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुखता से मांग है जो चिकित्सा कर्मी कोरोना में लगभग 1.5 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए 50 बेडेड हाई क्वालिटी का आईसीयू प्रत्येक राजस्थान के चिकित्सालय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में बनाया जाए ताकि उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। दूसरी मांग है जो कर्मचारी संक्रमित होने के बाद मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं कोरोना से, तो उनको शहीद का दर्जा देते हुए 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता तथा उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग हमारी है कि जो वर्षों से चली आ रही है नर्सिंग ऑफिसर शब्द, नर्स ग्रेड 2 की जगह नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड प्रथम की जगह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर व नर्सिंग ट्यूटर की जगह व्याख्याता तथा प्रोफेसर शब्द यूज किया जाए। और चौथी मांग जो प्रमुखता से रखी गई है वो मांग ये है कि हमारे जो संविदा पर कार्यरत नर्सेज भाई हैं यूटीबी पर, कर्मचारियों की जो मांग है प्रमुखता से, नर्सिंग कर्मी संविदा पर जो कार्यरत है यूटीबी कर्मचारी उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है, उनको पुनः बहाली करते हुए नर्सिंग भर्ती 2018 में पद सृजित करते हुए 50 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाए तथा अनुकंपा नियुक्ति देते हुए उनको सरकारी नौकरी दी जाए तथा शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही नर्सिंग कर्मचारियों की जो मांग है प्रमुखता से, नर्सिंग कर्मी संविदा पर जो कार्यरत हैं यूटीबी कर्मचारी उनको कार्यमुक्त कर दिया गया है, उनको पुनः बहाली करते हुए नर्सिंग भर्ती 2018 में पद सृजित करते हुए उनको नियमित किया जाए। भैया पास में आ जाओ ना, क्या मांग में दे रहे हो भाई साहब? आज हमारी मांग है जो नर्सिंग कर्मचारी लगभग 1.5 साल से कोरोना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य का कोई सरकार प्रशासन ध्यान नहीं रख रही है। अगर वो कर्मचारी